नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं बिहार के बगहा में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को बगहा नगर के डीएम एकेडमी चौराहा के समीप शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा आतंकी हमले की प्रथम बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बगहा नगर के कई सामाजिक एवं युवा संगठनों के प्रतिनिधि भी शरीक हुए। उन्होंने बताया कि शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संदेश दिया गया कि शहीदों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। न केवल शहीदों के प्रति बल्कि उनके परिजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। बता दें कि गत वर्ष 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में सीआरपीएफ के जवानों से भरी एक बस को आतंकवादियों ने विस्फोट करके उड़ा दिया था। उस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। मौके के पर तमाम समाजसेवी व युवा संसद सहित विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तमाम युवा आदि मौजूद रहे। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। पाकिस्तान के नापाक हरकतों की वजह से हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इसकी पूरे देश में घोर निंदा हुई और बदले में हमारे जांबाज सेनाध्यक्ष ने कारगिल पाकिस्तान में घुसकर और इसका बदला ली। पुलवामा में जो शहीद हुए हैं कुछ बताना चाहेंगे? अभी जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। आज का दिन जो 14 फरवरी है, आज ही के दिन पिछले वर्ष 2019 में हमने अपने देश के 40 सीआरपीएफ के सपूतों को खोया था। वो दिन हम शायद ही जीवन में कभी भूल पाए। हम उन 40 जवानों के शहादत को याद करते हुए आज हम आए। बोलो। हम लोग के जो वीर जवान अगले वर्ष जो सीमा पे हम लोग का रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनके लिए आज हम फिर से एक बार पुनः श्रद्धांजलि का सभा का आयोजन किए हैं युवा संसद की तरफ से, और हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारे आने वाली भी पीढ़ी उन्हें कभी नहीं भूल सकती है, इन वीर जवानों को। और आगे भी हम उन तमाम जितने भी पुलवामा में शहीद जो जवान हुए उसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर? पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे उनकी आज पहली बरसी है। जो हमारे 44 वीर जवान शहीद हुए आतंकवादी गतिविधि में, जो एक बस में जा रहे थे और उस बस को विस्फोट से उड़ा दिया गया, उसमें हमारे भारत माता के जो सच्चे सपूत थे वो जवान शहीद हुए। आज उनकी पहली बरसी है और उनकी स्मृति में हमारे नौजवान साथियों ने, युवा संसद ने ये कार्यक्रम रखा है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम। तो हम सभी मिलकर के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत पलक झपकते एक वर्ष बीत गया, आज भी पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान की शहीद होने की दर्दनाक घटना मेरे मन में ताजी है। पुलवामा में शहीद सभी जवानों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, वीरता और बलिदान के कारण ही आज भारत एक सुरक्षित देश है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ दो पंक्तियों से उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन ही वे वतन पर अपनी जान लुटा गए।